हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। देखिए, हम मैथमेटिकल मॉडलिंग को पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारे वो पढ़े कि मेडिसिन्स के अंदर कैसे यूज होता है। हमने डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज पढ़ा, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ में कैसे हेल्प करती है मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये पढ़ा। आज का जो हमारा मॉडल है वो है लैंचेस्टर्स कॉम्बैट मॉडल। देखो, इस मॉडल में क्या है, मैं आपको पहले वर्बली बता देती हूँ, फिर हम क्या करेंगे इसका प्रूफ करेंगे। देखो, किसी यहाँ पे क्या होगा, दो फोर्सेस होंगी, ठीक है। उनकी कुछ फाइटिंग स्ट्रेंथ होगी, और फिर उन फोर्सेस की जो फाइटिंग स्ट्रेंथ है उसके अंदर पर इंडिविजुअल भी कुछ ना कुछ फाइटिंग स्ट्रेंथ होगी। और वो चीज खुद बताओ डिपेंड किस पे करेगी, उसकी फिटनेस पे, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग पे, इन सारी चीजों पे वो चीज डिपेंड करेगी। उसके बाद क्या कहा लैंचेस्टर्स ने, क्या कहा इन्होंने, क्या बोला कि जो रिडक्शन होगी ना स्ट्रेंथ में, रिडक्शन मतलब डिक्रीज होगी जो स्ट्रेंथ किसी भी आर्मी फोर्स की, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी कि अपोजिट वाले की स्ट्रेंथ कितनी है, अपोजिट वाले की स्ट्रेंथ कितनी है। अब एक बात बताओ, दो लोग आपस में लड़ते हैं, ठीक है, सबसे इजी सा एग्जांपल जो कहीं भी देखने को मिलेगा, दो लोग आपस में लड़ते हैं, एक ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, अब उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ किस अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी कि सामने वाला, अगर वो सामने वाला बंदा उससे ज्यादा पावरफुल है तो उसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई ना, चाहे जितनी भी थी। तो क्या होगा कि सामने वाली जो जिससे आप फाइट कर रहे हो उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उस पे ये चीज डिपेंड कर जाएगी। तो इन्होंने यही पोस्टुलेट दिया था, यही चीज हम शो करेंगे। और इसके अंदर हम क्या शो करेंगे, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा फिर वहां पे बताऊंगी मैं एग्जैक्टली आएगा क्या, ठीक है। शुरू करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली अजम्पशंस पहले वो करनी पड़ेगी। तो क्या, देखो, XT एंड YT क्या है, फाइटिंग स्ट्रेंथ है आर्मी की, फाइटिंग स्ट्रेंथ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, फाइटिंग स्ट्रेंथ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब एम और एन क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी इंडिविजुअल की, स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये चीज डिपेंड किस पे करेगी, इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा ना, उसकी फिटनेस किस लेवल की है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग किस लेवल की हुई है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगी चीज। और ये पर इंडिविजुअल है कि एक की कितनी फाइटिंग स्ट्रेंथ है एम। तो लेंचेस्टर ने क्या पोस्टुलेट किया कि जो आर्मी फोर्सेस के स्ट्रेंथ में रिडक्शन होगा, रिडक्शन होने का मतलब ही क्या है, उसमें चेंज आ रहा है तो डेरिवेटिव तो आएगा, चेंज का मतलब ही क्या है, डेरिवेटिव है। तो फर्स्टली ये वाली चीज देखो, डीएक्स बाई डीटी, अब दोनों में आएगा कुछ ना कुछ चेंज, ठीक है, डीवाई बाई डीटी। इस चीज को आसानी से समझना होना, उस सिचुएशन को एज्यूम करना जिसमें आपके सामने दो बंदे फाइटिंग कर रहे हैं, उस सिचुएशन को एज्यूम करोगे तो ये पूरा जो भी अभी हम करेंगे वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें देखो, डीएक्स बाई डी टी प्रोपोर्शनल होगा, लैंचेस्टर ने क्या कहा, ये चीज प्रोपोर्शनल होगी किसके, अपोजिट्स के, फाइटिंग स्ट्रेंथ के। देखो, एक्स में चेंज निकाल रहे हैं तो जो दूसरी आर्मी थी उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ क्या थी, वाई टी, और थे कितने, एन, तो क्या आएगी टोटल वाई, वाई एन आएगी। सिमिलरली इसमें क्या आएगी, एक्स एम, जैसे यहां बनाया वैसे वहां बनाओगे। जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स एम। अब एक चीज देखो, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई आई टेक दिस नेगेटिव, नेगेटिव क्यों लिया। तो सिंपल सी चीज ये है, देखो आंसर आपकी आंखों के सामने ही है कि रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या है, रिड्यूस होना, रिडक्शन का मतलब क्या है, रिड्यूस होना। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि उनमें जो चेंजेस आएगा वो नेगेटिव होगा, उतनी स्ट्रेंथ उनकी डिक्रीज होगी, ठीक है। हो गया, अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो आ गई हमारे पास, इनको सॉल्व करना पड़ेगा कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए। तो डिवाइड करो डी, इसको इससे डिवाइड करोगे, इस साइड क्या बचेगा, डीएक्स बाई डी वाई बचेगा। हो गया, पहले ये वाली चीज है तो माइनस ए वाई एन, बाद में ये है
माइनस ए एक्स एन, क्या आएगा वाई एन अपॉन में एक्स एन। देखो इस एक्स एम को इधर ले आओ, साथ साथ में इंटीग्रेशन भी कर दे रही हूँ, ठीक है, एन वाई डी वाई प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा एम एक्स स्क्वेयर बाय टू एन वाई स्क्वेयर बाय टू प्लस सी हो गया। यार नहीं तो यहाँ पे सी बाय टू लिख लो, सी बाय टू लिख लो, सब में से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा एम एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एन वाई स्क्वेयर प्लस सी, एक इक्वेशन आपकी ये आई, क्लियर हो गया। अब एक चीज ये देखते हैं, अगर ये वाली स्ट्रेंथ वन बाय एक्स डी एक्स बाय डी टी इक्वल हो जाए वन बाय वाई डी वाई बाय डी टी, मतलब इनमें जितना चेंज आ रहा है अगर ये वाली चीज इक्वल हो जाती है तब क्या होता है। देखो मेन कंक्लूजन आपका वहीं से आएगा, ये वाली चीज से डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पुट करो, क्या है वन बाय एक्स माइनस ए वाई एन इज इक्वल्स टू वन बाय वाई माइनस ए एक्स एम, ये चीज है। देखो माइनस ए से माइनस ए दोनों इक्वल टू में है, कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद बचेगा क्या फिर आपके पास, देखो वाई एन बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई एम, ये वाली चीज बचेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर एम माइनस वाई स्क्वेयर एन इक्वल टू ए, सॉरी ये, तो ये वाली चीज आई, इसको हम क्या बोलते हैं स्क्वेयर लॉ, क्या होगी ये चीज स्क्वेयर लॉ होगी, यानी एक फर्स्ट आर्मी की जो पूरी की पूरी फाइटिंग था वो किसके इक्वल है न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड आर्मी की, सेकंड आर्मी की जो फाइटिंग स्ट्रेंथ है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल है।